अगर आप जापान आते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया साइड हसल हो सकती है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। दिस इज माई लास्ट वीडियो ऑन यूट्यूब कि मैंने HBO के एक क्राइम ड्रामा सीरीज में काम किया। सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी ठंड हो गई एकदम बढ़िया वाली, कल रात तो -2 डिग्री तक चला गया था टेम्परेचर, और आज दिखाता हूँ वेदर कैसा। देखो देखो आज पूरा क्लाउडी हो रहा है, आयशा वाशे, और वो सामने है हनीदा एयरपोर्ट, और अभी जा रहे हैं हम एक क्रिसमस पार्टी में। मेरी डॉटर के क्लासमेट्स हैं तो सब हम पेरेंट्स मिलके क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग देयर। और ये देखो जी, ये हमारा स्टेशन फाइनली, ये यहाँ से ओपन हो गया रास्ता। एंड द कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, फाइनली ये हो गया इतना, एंड इट लुक्स रियली नाइस। अभी और भी होगा बट इन्होंने आज ये ओपन कर ही दिया फाइनली, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। ये सारा ओपन होएगा, ये भी हो जाएगा। इस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन पिछले 5 साल से चल रही थी बट एक भी दिन ना ही तो किसी पैसेंजर को इनकन्वीनियंस हुई और ना ही कभी बंद हुआ। पहले ये स्टेशन क्या था, ऊपर से था, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। अब ये अंडरग्राउंड हो गया है, तो ये करीबन 1 किलोमीटर इन्होंने अंडरग्राउंड किया है, और कंस्ट्रक्शन एक दिन भी मतलब बंद नहीं करी इन्होंने, और ना ही कोई किसी के लिए इन्होंने इनकन्वीनियंस करी कि भी रास्ता बंद हो गया या फिर ट्रेन नहीं आएंगी। एवरीथिंग इज स्मूथली ऑन गोइंग, और साथ में कंस्ट्रक्शन। ये है जापान का सिस्टमेटिक तरीका काम करने का। जब हमने घर खरीदा था तो सबसे पहला घर हमने इस बिल्डिंग में देखा था, और आज हम यहीं आए हैं। ये 3 बिल्डिंग्स बनी हैं, ABC, तो यहाँ पे देखा था हमने पहला। और सच बताए तो डिसीजन हमारा सही था, यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि जो लेआउट यहाँ पे था ना वो बिल्कुल एक धेले का नहीं था। सच बताऊँ सिर्फ बिल्डिंग है ऊँची बट लेआउट वॉज नॉट दैट ग्रेट। हाँ जी, तो आज है जी क्रिसमस, December 25th। जापान में क्या है, क्रिसमस मनाई जाती है धूमधाम से, बट यहाँ पे कोई हॉलीडे नहीं होता। जापान में सैलरी आती है महीने की 25th को मोस्टली कंप्लीट, और ये देखो आज सैलरी आई है, और यहाँ पे ATM पे लाइन लगी है पैसे निकालने। तो यार इसको चाहे आप इंफॉर्मेशन कह लो या फिर एक सीक्रेट कह लो या फिर न्यूज़ कह लो, जो मैं पिछले अराउंड 1 साल से छुपा के बैठा था, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। तो न्यूज़ ये है कि मैंने HBO के एक क्राइम ड्रामा सीरीज में काम किया, और बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा। NDAs है कुछ, मैं जिसके वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, बट हाँ थोड़ा मैं बता सकता हूँ कि टोक्यो वाइस नाम का एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, उसका season 2 आएगा अभी नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए मैंने काम किया है थोड़ा सा। एंड देखो इससे पहले भी मैंने काम किया हुआ है, होंडा की एक एडवर्टीजमेंट थी उसमें मैंने काम किया था, एंड आई वाज इन द लीड रोल, और वहाँ पे सेटअप कह लो कि छोटा था, क्रू मेंबर्स थे करीबन 30-40 क्रू मेंबर थे, और मॉडल्स की अगर बात की जाए मैं था और 2-3 मॉडल्स और थे, तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ओवर देयर। बट जो मैंने यहाँ पे HBO के साथ काम किया दैट वाज टोटली अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पे यार फुल फ्लैज जो मूवी शूटिंग होती है वो सारा सेटअप था यहाँ पे। क्रू मेंबर के ही करीबन करीबन 150 से ज़्यादा लोग, और बाकी जो स्टार कास्ट थी और बाकी जो करेक्टर्स थे वो अलग, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इसके बारे में चलो मैं आपको और बताता हूँ। जी
तो बात कर रहा था मैं HBO के साथ जो अमेरिकन क्राइम ड्रामा के अंदर मैंने शूटिंग करी थी उसके बारे में। मैं एज सच कोई प्रोफेशनल एक्टर या मॉडल नहीं हूँ, बट हाँ मेरा शौक है, मेरे को अच्छा लगता है। शौक है बचपन से कैमरे के सामने। सच बताऊं जब मैंने फर्स्ट टाइम होंडा के लिए मॉडलिंग की थी, इट वॉज जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, और मैंने उसके बाद एक्टिवली ट्राई भी नहीं किया कहीं पे अपना एजेंसी को अपना पोर्टफोलियो बना के दूं या ऐसा कुछ। आई डिडंट डू एनीथिंग। अब लास्ट ईयर की बात है, सडनली एक अपॉर्चुनिटी ऐसे ही पॉप अप हुई। मैंने इसको फेसबुक पे देखा था, आई डिडंट नो द डिटेल्स, बट मैंने कहा चलो ठीक है, दोबारा फिर कैमरा फेस करने का मौका मिलेगा एंड लेट्स अप्लाई। मैंने अप्लाई किया एंड दे आस्क्ड मी फॉर माय फोटोज एंड ऑल, और उनको ठीक लगा मेरा प्रोफाइल एंड दे सिलेक्टेड मी। वी वर अराउंड आई थिंक 30-40 पीपल और इंडियन मैं एक ही था। फिर उसके बाद वहां पे हम साइट पे पहुंचे जहाँ पे शूटिंग होनी थी, तो भाई साहब वहां तो देख के ही मतलब आई वॉज स्टंड कि यार अच्छा ऐसे होता है, क्योंकि इससे पहले जो शूटिंग मैंने करी थी होंडा के टाइम पे दैट वॉज इन अ स्टूडियो, बट ये था एक प्रॉपर सेट, लोकेशन थी वहां पे थी ये शूटिंग। और वहां पे गए हम, जो मेन स्टार कास्ट थी उनको देखा, उनसे मिले, उसके बाद जो हमारे साथ जो 30-40 लोग थे हम उनके साथ मैंने बातचीत करी। तो व्हाट आई फाउंड इज, हाँ बीच में रोक के मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर दिस ईयर। आगे मैं क्या करूंगा उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सो कीप वॉचिंग। तो हाँ जी, वहां पे मैं अलग अलग लोगों से मिला। तो यार मेरी आदत है कि मैं किसी से भी जाके बात कर लेता हूँ, फ्रेंड्स जल्दी बना लेता हूँ, ऐसा मेरे पेरेंट्स कहते हैं। तो मैंने वहां पे लोगों से उनसे बात करी यार, वहां पे स्टूडेंट्स भी थे, हाउसवाइफ थी, वर्किंग प्रोफेशनल थे और प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे वो भी थे। तो वहां पे पता चला कि यार ये एक बहुत बढ़िया साइड हसल भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स थे वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उन्होंने क्या किया, सिंपली एक एजेंसी में रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई कमर्शियल की होगी या कोई मूवी के अंदर, या फिर आपको कह लो कि कई बार लीड रोल मिल जाता है कई जगह, तो वो सारी चीजों का आपको बहुत बढ़िया कंपनसेशन मिलता है। हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने मॉडलिंग एजेंसीज में, ऐसी एजेंसीज के अंदर अपना पोर्टफोलियो दे रखा है एंड दे आर ऑल्सो हेयर। ऐसा नहीं है कि भी आपको बैक टू बैक ही मतलब कह लो कि अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, आराम से मतलब कभी हफ्ते में एक आ गई, क्या पता महीने में एक आए, इट्स टोटली डिपेंड्स कि जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की है। और मैं वहां पे अकेला इंडियन था, तो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल माय इंडियन व्यूवर्स, अगर आप जापान आते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया साइड हसल हो सकती है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। मेरा पर्पज कुछ और है, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैंने वहां पे फ्रेंड्स बनाए जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, तो उनसे बातचीत करी कि भी कैसे काम करते हो, क्या प्रोसेस रहता है। तो एक चीज और मैंने वहां पे समझी यार, कि जो पायरेट्स मूवी होती है ना, नहीं देखनी चाहिए, सीरियसली यार। वहां पे जाके मैंने ये चीज नोटिस करी कि कितना ज्यादा हार्डवर्क है, खाली जो हमें स्क्रीन पे दिखते हैं सिर्फ उनका नहीं, जो क्रू मेंबर्स हैं, बहुत लोगों की उस पर रोजी रोटी डिपेंड करती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि हम लोग कोशिश करें कि पायरेट मूवीज ना देखें और ओरिजिनल पेड कंटेंट देखें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला हो। ये साइड हसल आई वुड हाईली रिकमेंड टू दोज हु आर हेयर इन जापान, ईदर एज अ स्टूडेंट आए हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आपको शौक है, आपको अच्छा लगता है कैमरा फेस करना और साथ में यू वॉन्ट टू मेक सम मनी ऑल्सो, इट्स लाइक विन विन सिचुएशन, तो आई वुड हाईली रिकमेंड। अब बात करते हैं व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। थोड़ा सा बताता हूँ, बट एक इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन जनवरी 1st। तो जी नेक्स्ट ईयर से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत उसमें हार्डवर्क होगा, काफी मेहनत का काम रहेगा वो, बट आई वॉन्ट टू गिव मोर वैल्यू एंड मोर इन्फॉर्मेशन टू यू पीपल। जैसे मैंने बताया कि उसकी एक डिटेल वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा, सो वेट फॉर दैट वीडियो ऑन जनवरी 1st एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।